नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। चर्चा करेंगे आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। खबर सूरतगढ़ से है, जहां आज श्री गंगानगर सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौर का पहली बार सूरतगढ़ पहुंचने पर बीकानेर रोड अरोड़ वंश भवन कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गंगानगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौर की 50,000 से भी अधिक वोटों की जीत के बाद इंदौर आज सूरतगढ़ पहली बार आए और उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में इंदौर के साथ विधायक डूंगर राम गैदर, ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया, नगर अध्यक्ष जेपी गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम वर्मा, गगन वेंडिंग आदि मंच पर विराजमान रहे। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया। सांसद कुलदीप इंदौर आने अपने स्वागत समारोह में बोलते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता का ऋण मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आप लोगों की मेहनत का ही ये परिणाम है। आज मुझे इतने अधिक वोटों से विजय दिलाकर सांसद बनाया है। इस मौके पर ब्लॉक महासचिव अमर सिंह राठौर, अंग्रेज सिंह ढिल्लो आदि सैकड़ों कार्यकर्ता स्वागत समारोह में भाग लिया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। मेरे पिताजी को भी बहुत लंबे समय आप लोगों ने मौका दिया और मैं जिला प्रमुख भी 9,000 वोटों से जीतकर जिला प्रमुख बना। उस समय में कोई कल्पना नहीं करता था कि मैं जिला प्रमुख बन पाऊंगा, लेकिन तमाम हमारे जिला परिषद के सदस्य, तमाम जात के, तमाम वर्ग के लोग, उन लोगों का आशीर्वाद रहा। मेघवाल समाज की बात कही, राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मेघवाल समाज का आशीर्वाद रहा। हमारे दलित समाज में सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा समाज है, ऐसी समाज में हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने बहुत समय पहले एक आर्टिकल लिखा था, मैंने उस समय भी कहा था कि दलित समाज में मेघवाल समाज सिर्फ मोर है, हमारा पिता तुल्य, बड़े भाई तुल्य है, हम अदने हैं, छोटे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोग हमारी उंगली पकड़कर हमें भी साथ लेकर चलने का।